क्वेश्चन वन में हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। जब इस पॉलिनोमियल को हम x प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम इसे रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान होता है। फर्स्ट पार्ट में x प्लस वन दिया हुआ है तो हम इसे इक्वल जीरो के इक्वल कर लेंगे, x प्लस वन इक्वल टू जीरो लिखेंगे। तो यहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी हम उसमें इस पॉलिनोमियल में उठाकर पटक देंगे। तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो किया तो x कितना आया, यहाँ से x इक्वल टू आया माइनस वन। अब इस माइनस वन को हम इस पॉलिनोमियल में उठाकर पटक देंगे तो माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का क्यूब कितना होता है, देखो माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू, एक्स की जगह माइनस वन रखना है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन, प्लस वन पहले से ही है ना, तो माइनस वन का क्यूब, थ्री तो ऑड है तो माइनस वन का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस वन है ना, किसी इसके सर पे ऑड लिखा हुआ है तो ये माइनस में आएगा। प्लस यहाँ देखो ये इवन है, टू इवन है तो ये प्लस का थ्री आ जाएगा है ना, प्लस थ्री इंटू माइनस वन कितना होता है माइनस थ्री, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, प्लस का वन है ना। अब देखो माइनस वन ने प्लस वन को मार दिया है ना, माइनस वन ने प्लस वन को मार दिया, प्लस थ्री ने माइनस थ्री को मार दिया, बचा कितना जीरो, रिमाइंडर कितना आया इसका जीरो। उसी तरह से दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वन अपॉन टू दिया हुआ है जिसको इक्वल जीरो के इक्वल कर लेना है। यहां से एक्स कितना आएगा, एक्स आएगा वन अपॉन टू ना, हाफ आएगा। अब इस वैल्यू को हम इसमें उठाकर पटक देंगे इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, देखते हैं कितना रिमाइंडर आता है। तो एक्स क्यूब की जगह वन बाय टू रखा, वन बाय टू का होल क्यूब ऐसे जो लिखा हुआ है, प्लस वही देख कर लिख रहे हैं थ्री, एक्स की जगह वन अपॉन टू, वन अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स, एक्स की जगह वन अपॉन टू प्लस में वन है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वन का क्यूब कितना होता है वन है ना, वन का क्यूब वन, टू का क्यूब एट, टू का क्यूब एट, थ्री तो पहले से लिखा हुआ है थ्री लिख दिया, वन का स्क्वायर वन होता है, टू का स्क्वायर कितना होता है फोर है ना, ये ब्रैकेट मार्क, टू का स्क्वायर फोर, ये थ्री इंटू वन थ्री, नीचे में टू लिखा हुआ है ना, थ्री वन या थ्री, नीचे में टू लिखा हुआ पहले से प्लस वन। अब इसको बस सॉल्व करना है हमें। अब वन अपॉन एट तो पहले से लिखा हुआ है यहाँ, उसको लिखा रहने दिया, थ्री इंटू वन थ्री, थ्री वन या थ्री, नीचे में लिखा है फोर है ना, फिर थ्री अपॉन में टू प्लस वन, यही ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एट फोर टू का एलसीएम कितना होता है, देखो एट फोर टू है ना, इसका एलसीएम लेना है तो हमने टू से इसको डिवाइड किया, टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, टू वन जा टू है ना, फिर से टू से देंगे, फिर से टू से डिवाइड करो, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, वन ऐसे ही उतरा, फिर टू से जाएगा, टू वन जा टू, वन ऐसे है ना। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, टू टू जा फोर, टू जा एट है ना, टू टू जा फोर, टू जा एट, तो एलसीएम कितना आया एट, तो इसके नीचे में ऐसे लिखेंगे एट। अब देखो एट वन जा एट, एट को एट से डिवाइड करो, एट के टेबल में एट कितनी बार में आता है, वन बार में, एट वन जा एट और वन इंटू वन, वन वन जा वन है ना, एट को एट से डिवाइड किया वन आया, फिर वन से उसको मल्टीप्लाई कर दिया वन से तो आया वन, फोर टू जा एट, थ्री टू जा सिक्स है ना, फोर को एट से डिवाइड करो टू आया है ना, फोर टू जा फोर के टेबल में एट कितनी बार आता है, टू बार में, फोर टू जा एट, थ्री टू जा सिक्स, ये लिखा सिक्स, टू फोर जा एट, थ्री फोर जा ट्वेल्व है ना, टू फोर जा एट, थ्री फोर जा ट्वेल्व, वन देखो वन के नीचे में वन है, वन एट जा एट, एट वन जा एट है ना ऐसे। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, सिक्स प्लस वन होता है देखो सेवन है ना, ऐसे जोड़ो, ट्वेल्व प्लस एट कितना होता है ट्वेंटी, ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस सिक्स ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स प्लस वन ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन नीचे में लिखा है, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको आगे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट को भी ऐसे ही इसको इक्वल जीरो के इक्वल कर दिया, एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो इसमें उठाकर पटक देंगे तो जीरो का क्यूब होता है जीरो है ना, जीरो का क्यूब जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो का स्क्वायर वो भी जीरो है ना, थ्री प्लस थ्री इंटू जीरो वो भी जीरो प्लस वन, तो बचा कितना है ना, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो वन प्लस वन, कितना बचा वन, यही इसका रिमाइंडर होगा। उसी तरह से फोर्थ वाले पार्ट को इक्वल जीरो का इक्वल कर देंगे और एक्स यहाँ से कितना आएगा माइनस का पाई। अब इस माइनस के पाई को उठाकर पटकना है इस पॉलिनोमियल में तो माइनस पाई का क्यूब कितना होगा, माइनस पाई का होल क्यूब प्लस में थ्री इंटू पाई का स्क्वायर, थ्री इंटू पाई का स्क्वायर है ना, और प्लस का थ्री इंटू पाई है ना, पाई की जगह माइनस पाई रखना है हमें, तो ये माइनस पाई हो गया, थ्री इंटू माइनस पाई, यहाँ भी माइनस पाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक।
और प्लस वन, ऐसे हमने लिख लिया देख के। माइनस पाई का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री इंटू पाई का स्क्वायर, माइनस पाई का होल स्क्वायर पाई का स्क्वायर आएगा, थ्री इंटू माइनस पाई, तो माइनस थ्री पाई प्लस वन, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब इसको आगे कुछ कर नहीं सकते, तो यही रिमाइंडर है। उसी तरह फिफ्थ पार्ट को जीरो के इक्वल कर देंगे और यहाँ से एक्स निकाल लेंगे, तो टू एक्स को इधर रहने दिया, फाइव को बॉर्डर के उस पार ले गए, तो ये हो गया माइनस का फाइव एक्स, ऐसे ही माइनस फाइव के नीचे टू आ गया, तो एक्स आ गया माइनस फाइव अपॉन टू। अब इसको हम इस पॉलीनोमियल में उठा के पटक देंगे, तो माइनस देखो माइनस फाइव अपॉन टू का होल क्यूब है ना, माइनस फाइव अपॉन टू का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव अपॉन टू का होल स्क्वायर, एक्स की जगह रख रहे हैं, प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव अपॉन टू और ये प्लस वन है ना, इतना आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, माइनस फाइव का क्यूब कितना होगा, फाइव थ्री टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा देखो माइनस की जगह तो माइनस का क्यूब तो माइनस आएगा, फाइव का क्यूब फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव वन ट्वेंटी फाइव, ये आएगा वन ट्वेंटी फाइव, टू का क्यूब होता है एट प्लस, देखो थ्री तो ऐसे लिखा हुआ है, माइनस फाइव का स्क्वायर तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, फाइव का स्क्वायर होता है ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव अपॉन में ये लिखा है फोर है ना, थ्री इंटू माइनस फाइव तो ये हो जाएगा माइनस का फिफ्टीन है ना, अपॉन में टू, थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस का फिफ्टीन अपॉन में टू प्लस वन। अब देखो एट फोर टू का एलसीएम हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो वो यहाँ भी निकालना है, एट फोर टू का एलसीएम आया था एट है ना। अब देखो इसको डिवाइड कर लेंगे, एट वन जा एट, एट के टेबल में एट कितनी बार में आएगा, वन बार में, एट वन जा एट, वन को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस वन ट्वेंटी फाइव ठीक। अब देखो यहाँ थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव तो पहले लिखा हुआ है, वो थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव कितना होता है, थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव होता है पच्चीस या पचहत्तर ना, ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री होता है सेवेंटी फाइव, सेवेंटी फाइव, और फोर टू जा होता है एट, फोर टू जा एट, और फोर टू जा कितना होगा एट, फोर टू जा एट सेवेंटी फाइव इंटू टू है ना, जो भी ऊपर लिखा होता है हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, फोर टू जा एट और सेवेंटी फाइव जो भी ऊपर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दिया टू से, यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, टू फोर जा होता है एट है ना, और जो भी ऊपर लिखा है उसको फोर से मल्टीप्लाई कर दो, टू फोर जा एट और फिफ्टीन इंटू फोर, वही हमने हर जगह किया है ना, यहाँ इसके नीचे देखो वन है, इसके नीचे वन है, प्लस का साइन लगाया, वन एट जा एट और एट वन को एट से मल्टीप्लाई कर दो तो एट आ जाएगा है ना। अब देखो माइनस वन ट्वेंटी फाइव तो ऐसे लिखा हुआ है, सेवेंटी फाइव इंटू टू कितना होता है, फाइव टू जो टेन का जीरो, सेवन टू जो फोर्टीन एक फिफ्टीन, वन फिफ्टी है ना, वन फिफ्टी, फिफ्टीन इंटू फोर होता है सिक्सटी है ना, प्लस का एट, ये पहले से लिखा हुआ है, नीचे में लिख दिया एट हमने ऐसे। अब देखो यहाँ माइनस का साइन है दोनों जगह, माइनस वन ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटी दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो 125 यहाँ लिखा हुआ है, 60 यहाँ लिखा है, दोनों का ऐड कर लो, साइन माइनस का रहेगा ना, दोनों जगह माइनस हो जाएंगे ऐड, तो 5 प्लस जीरो फाइव, इसको ऐड कर रहे हैं, 5 प्लस जीरो फाइव, 6 प्लस टू एट, 185 ना, माइनस का 185 लिखना है, दोनों जगह माइनस का साइन था, 150 प्लस एट 158, नीचे में लिखा है 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो साइन यहाँ 185 तो बड़ा है 158 से, लेकिन माइनस का है, तो साइन तो माइनस का आएगा, बड़े वैल्यू के साथ माइनस लगाए तो वही माइनस का साइन यहाँ आएगा, और लेकिन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 185 में से 158 गया, कितना बचा देखो, 185 में से 158 गया, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, 15 माइनस एट सेवन है ना, 15 माइनस एट कितना होता है सेवन, सेवन माइनस फाइव टू, 27 बचा, तो माइनस का 27 अपॉन में एट, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही इसका रिमाइंडर है, और क्वेश्चन नंबर वन यहाँ खत्म हो गया।